स्वच्छ भारत के नाम पर जहां केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन चंबा से करीब 4 किलोमीटर दूर बालू क्षेत्र में आज तक सार्वजनिक शौचालय निर्माण तो दूर शौचालय निर्माण की बात भी सरकार या प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जो सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर सीधा तमाचा है। चंबा के बालू में सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा न होने के कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि चंबा का बालू क्षेत्र चंबा से साहो और चंबा से तीसा जाने के रास्ते पर पड़ता है और चंबा शहर से पैदल यहां पहुंचने में चंद ही मिनट लगते हैं। ऐसे में साहो और तीसा जाने वाले सैकड़ों लोग यहीं से अपने क्षेत्र के लिए बसें पकड़ते हैं, जिस कारण यहाँ रोजाना लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ शौचालय ना होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। इस समस्या से यहाँ के दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि आज दिन तक यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है, जिसके चलते स्थानीय लोग कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी ये समस्या ज्यों की त्यों है। मेरा नाम हर्ष अंडा है, मैं बालू में दुकानदार हूँ और यहाँ से चंबा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई आज तक सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हजारों राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे खासकर महिलाओं को बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और मेरे हिसाब से तो इस वजह से तो हम जैसे कई पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, जैसे कि चंबा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर होने की वजह से इतना कुछ भी यहाँ पे मतलब आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ इसका प्रावधान किया जाए। इतनी ज़्यादा है कि कोई भी लेडी जाए यहाँ पे, कुड़ियाँ आ जाए, छाने आदमी आ जाए, उनके लिए शौचालय नहीं यहाँ पे। नंबर दो, हैंडपम्प खराब है, हैंडपम्प का पानी यहाँ पे लोग पानी पीना चाहते हैं तो पानी नहीं है यहाँ पे। नंबर दो, शौचालय की कोई दिक्कत नहीं है, शौचालय का बनना चाहिए यहाँ पे, शौचालय की प्रॉब्लम है यहाँ पे। कितने बाहर से आदमी आते हैं यहाँ पे, हर कुछ कोई भी जहाँ का भी बंदा आता है यहाँ पे हर कोई बंदा आता है। मैं ये समस्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे शौचालय की, पहले तो ये शौचालय की बड़ी समस्या है, हमारी माता बहनें आती हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। आदमी तो जहाँ मर्जी खड़ा होकर पेशाब कर सकता है, सबसे दिक्कत आती है लेडीज़ के लिए। मैं प्रशासन से यही मांग कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर शौचालय बनाएँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बालू पे जो हैंडपम्प बना हुआ है वो काफी समय से खराब है। इस बारे में जब नगर परिषद चंबा के उपाध्यक्ष पूर्व मनेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग उनसे मिले हैं और जल्द ही नगर परिषद खुद या जिला प्रशासन के सहयोग से इस क्षेत्र में शौचालय निर्माण करवाएगी। कई सालों से वहाँ पे शौचालय की एक डिमांड जो है वो विभाग द्वारा भी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी वो अपने उसके ऊपर मांग को उठाते रहे हैं, पर अभी वो प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद के पास मिला तो उनकी जो समस्या है वो जायज़ समस्या है, क्योंकि शौचालय जो है वो केंद्र सरकार मानने ने मोदी जी ने भी की तरफ से भी पूरे देश में इसका जो कार्य है वो बढ़ चढ़ कर हो रहा है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्रों से तीसा, भजराड़ू, सरोल और इस तरफ से जो लोग आते हैं, सुलूणी, बैरागढ़ से जो लोग आते हैं वो अपने बसों को वहाँ से वहीं से पकड़ते हैं, वहीं से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो वहाँ शौचालय की सुविधा और स्थानीय लोगों के लिए सुविधा जो काफ़ी जरूरी है, हम नगर परिषद इसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रयासरत रहेंगे। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।